तो अभी हो रहा है इवनिंग टाइम और बज चुके हैं 7 और यहाँ पे हमारी तनीषा बेबी पिछले 20 मिनट से बैठी है। एक पिज़्ज़ा को खाने में इसे इतना टाइम लगता है। इसके 7 वाले खाकर उठ गए और तनीषा अभी तक नहीं उठी है। तनीषा इतना धीरे खाया जा रहा है जबकि इसको कब से पिज़्ज़ा खाना था। तो आज यूवी लेकर आया, बाहर से ही लाया पिज़्ज़ा। कैसा लगा तनीषा पिज़्ज़ा? बहुत अच्छा लगा। मस्त लगा। हमारा गुजरात का पिज़्ज़ा है। जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरु देवीसा, राधे राधे। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बस अभी शाम हो चुकी है और 7 बज गए। बच्चों ने तो पिज़्ज़ा पार्टी पूरी कर ली और मैंने भी डिनर बना के रख दिया। चपाती बनाना बाकी है, मैंने बनाई है मूंग की सब्जी और आटा लगा के मैंने रख दिया। बस अब मैं ये कपड़े फोल्ड करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी मैं दिया बत्ती। आज सुबह से तो मैंने कुछ ब्लॉग बनाया नहीं, मैंने सोचा चलो आज रहने ही देते, लेकिन फिर अभी सोचा ब्लॉग की शुरुआत तो कर देती हूँ, अगर पूरा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसी को कल भी कंटिन्यू रखेंगे। तो फटाफट से पहले वो कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। तो दिया बत्ती यहाँ पे मैंने कर दिए। ये हमारे कुलदेवी माता, ब्रह्माणी माता और ये रहे लड्डू गोपाल। अब चलते हैं किचन में क्योंकि बनानी है चपाती। तो तवा तो मैंने रख ही दिया है, अब चपाती बनाऊंगी। और आज मैंने है ना मूंग को उबालकर खट्टी मीठी सब्जी बनाई है मग की। लेकिन पहले एक पीस ये मोन ताल का खाना पड़ेगा क्योंकि ये इतना टेस्टी है। ये हमारे भेंट आया था, बहुत ही अच्छा है ये पूरा बॉक्स भरा हुआ था और साथ में ये कढ़ी आई, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये खा लेती हूँ पहले। वैसे एक खाना खाने के बाद में कुछ मीठा खाया जाता है, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं रोटी बनाने से पहले कुछ मीठा खा लेती हूँ क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी। तो मैं टेबल पीस से देखती हूँ तो मेरा मन हो जाता है कि आधा पीस तो खा ही लूँ। सुबह से 2-3 पीस तो मैंने इसके खा लिए, पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे तो गए नीचे खेलने के लिए, मम्मी गए टहलने के लिए और पता नहीं इतनी तेज़ हवा आ रही है क्या खेल रहे होंगे। बाहर तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है लेकिन घर में तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही है। पूरे दिन से आज तो गर्मी से हाल पूरे ख़राब हो रखे थे। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अब तो मुझे राजस्थान भी जाना है, पता नहीं वहाँ पे क्या होने वाला है, क्या कितनी गर्मी होगी वहाँ पे। तो मैं जाऊँ उससे पहले एक बार बारिश हो जाए तो अच्छा हो। पिछली बार भी यही हुआ था, मैं 2-3 दिन रुकी फिर उसके बाद में बारिश हो गई तो गर्मी अपने आप कम हो गई। तो इस बार भी ऐसा ही हो जाए तो अच्छा है। फटाफट से खा लिया मैंने, चपाती बना लेती हूँ, थोड़ी सी बना के रख दूँगी अभी। वैसे तो श्री हमेशा आती है, ऐसे कभी कबार छोड़ छोड़ कर आती है, लेकिन अभी श्री के तनीषा दीदी आए हो इसलिए श्री रोज आ रही है तनीषा तुझसे मिलने के लिए। श्री ये कौन है? श्री तनीषा दीदी। वाह, आपने और तनीषा दीदी ने तो आज सेम ड्रेस वेयर किया है, देखो है ना सेम कलर पहना। तनीषा दीदी के भी लिखा हुआ है। तनीषा ये श्री है ना, तुझसे मिलने आती है रोज। अच्छी लगती है ना तुझे? हाँ। मस्त है ना? हाँ। तेरे साथ बातें करती है ना बहुत सारी। हाँ। हैं, चल खेल इसके साथ में। श्री। तो फाइनली अभी मैं हो चुकी हूँ फ्री और फ्री होते होते मुझे बज गए हैं 10। तो मैं अभी डीमार्ट भी नहीं जा सकती। डीमार्ट जाना था किसू और तनीषा को, दोनों को ही शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो तनीषा आने के बाद में 2-3 बार चली गई लेकिन उसको मेरे साथ में जाना था। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा टाइम रहेगा तो जाऊंगी, लेकिन 10 बज गए तो फिर तो अभी थोड़ी 10-15 मिनट में डीमार्ट भी यहाँ पे बंद हो जाता है। तनीषा मुझे बोल भी रही थी कि मासी आप मैं नहीं थी तब तो कितने डीमार्ट चले जाते थे, अब तो जा ही नहीं रहे हो। तो मैंने कहा उस समय मेरी मासी रहती इसलिए मैं चली जाती हूँ, अभी तो सारा काम पूरा करती हूँ, तब तक ही 10 बज जाते इसलिए नहीं जा पाते। दोपहर में टाइम मिलता है लेकिन उस टाइम ऐसा लगता है थोड़ी दूर रेस्ट कर लूँ, दोपहर में भी जाने का मन नहीं होता है। और मासी यहाँ पे होती है तो कहीं पर भी जाना होता है तो मैं जैसे कोई भी पोजीशन हो उसमें रवाना हो ही जाती हूँ कि ऐसे होता है कि मासी संभाल लेगी। लेकिन अभी तो मैं कहीं पर जा ही नहीं पाती। मम्मी ने भी कल गए थे तब बहुत बोला था लेकिन नहीं जा सकी। तो अब मेरे कपड़े रखने अलमीरा में, वो रख लेती हूँ। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं लग चुकी हूँ कुकिंग करने में। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी यहाँ पे नाश्ता और नाश्ते में मैं आज दलिया नहीं बनाने वाली हूँ, मैं बनाऊँगी रोटी को फ्राई करके कवे, क्योंकि कल बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया था तो उनके लिए मैंने रोटी बना के रखी थी तो उन्होंने खाई नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो सुबह मैं आज दलिया ना बनाकर
ये रोटी का ही नाश्ता बना लिया जाए तो रोटी भी वेस्ट नहीं होगी और नाश्ता भी बन जाएगा। और साथ में ही मैं आज बना रही हूँ मेरी फेवरेट सब्जी, चने की दाल की, चने की दाल और प्याज। चने की दाल थोड़ी मैंने सुबह में भिगो दी थी और अब यहाँ पे मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। तो कवे मेरे बन रहे हैं, दाल मेरी बॉईल हो रही है और यहाँ पे मैं छाछ बनाने की भी तैयारी करने लग गई और साथ में ही कढ़ी की भी। सच में सब कुछ आसान नहीं होता है, मैं और मासी दोनों साथ में होते तो मिलकर सारा काम फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन जब अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे सब्जी चने की दाल और प्याज की बनके हो चुकी है डन। बस एक छोटी सी भिंडी बनने रखी थी तो ये भी बन गई, बन कर देती। फिलहाल खाना मैंने बना लिया, खाली चपाती बनाना बाकी है, उसकी अभी कोई जल्दी है नहीं क्योंकि सबने वो जो कवे मैंने बनाए थे वो खा लिए इसलिए। और डेली की जो क्लीनिंग डस्टिंग होती है वो भी मेरी हो चुकी है, तो बस अभी मैं टेरिस पे आ गई ये कपड़े सुखाने के लिए, तो पहले ये कपड़े सुखा देती हूँ। तो फिलहाल कपड़े मैंने सुखा दिए और ये जो टॉवेल है ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये लाए थे पिंक कलर का था, बेचारा धुल धुल कर वाइट हो गया। फूल बहुत प्यारे खिले हैं, वाइट पिंक रेड सब कलर के। तो कल मैंने बताया था कि तनिषा और किसू को जाना है डीमार्ट शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो आज मैंने कोशिश करके टाइम निकाला और अभी हम लोग डीमार्ट जा रहे हैं। और कोशिश तो कुछ नहीं की, मैंने दाल ढोकली बना दी तो दाल ढोकली बना के रख दी, वापस आकर खाएंगे, बच्चों ने तो खा लिया, मेरे खाना बाकी है। तो अभी फटाफट से चलते हैं डीमार्ट, 8 बज रहे अभी रात के। तो फाइनली हम लोग डीमार्ट पहुंच गए और देखिए मेरे साथ में कौन कौन है, तनिषा, किसू, किसू के पापा और साथ में यूवी। चल अब किसू दीदी के करते हैं। हाँ। तो मैंने फ्रॉक्स भी लिए हैं। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है पूरी और आज तो हम लोग तनिषा के लिए शॉपिंग करने आए थे। तनिषा हैप्पी? हाँ। रोज मासी डीमार्ट चलो डीमार्ट चलो, आ गए डीमार्ट घूम लिया और अब थक कर यहाँ बाहर आकर बैठ भी गए। बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वो लोग तो भी लाइन में खड़े हैं, तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए। तो किसी और आ गए, अब चलते हैं घर और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और कल आने वाली है मासी अपने गांव से, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मासी के साथ में। तो बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमारे ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए।